हमारे भार्गव जी, नमस्कार जी, जी, जी और ये वर्मा साहब हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हैं रेलवे क्वार्टर्स की विजिट में शिवपुरी, ये ग्वालियर के पास है, एक छोटा सा शहर है शिवपुरी। तो यहाँ पे आए हुए हैं टाइप टू क्वार्टर का इंस्पेक्शन पे। ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर यूनिट बनाए गए हैं। टाइप टू के 20 यूनिट बनाए हैं, टाइप थ्री के 6 यूनिट बनाए हैं और टाइप फोर के 2 यूनिट बनाए हैं। तो आज हम इसी के विजिट पे, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये RPNL, PMC और रेलवे के लोग हैं। ये शिवपुरी रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा बहुत शानदार रेलवे स्टेशन है ये। कुछ ट्रेनें यहाँ रुकती है जो पहले ग्वालियर से जिनको गुना जाना होता है, जिसमें स्टेशन भद्रवास, पादरखेड़ा, मोहाना ये स्टेशन पड़ते हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए ये डायरेक्ट नेटवर्क है। पहले क्या था, यहाँ इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, अनइलेक्ट्रिफाइड स्टेशन था। रिसेंटली हमने 2019-2020 में इसको इलेक्ट्रिफाइड किया था। ये पहले क्या होता था इलेक्ट्रिफाइड के लिए, ये देखिए शानदार रिलेशनशिप पूरी का, इसमें और ज़्यादातर मालगाड़ियाँ ही क्रॉस करती हैं, जो पहले गुना से बीना होते हुए 200-250 किलोमीटर को ज़्यादा पड़ता था, गुना बीना झांसी होते हुए भी। तो ये डायरेक्ट गुना से शिवपुरी डायरेक्ट निकल जाती है 200 किलोमीटर में। तो ज़्यादातर मालगाड़ी ही ज़्यादातर क्रॉस करती हैं, क्यों पैसेंजर कार ट्रेनें बहुत कम है इसमें। तो ये देखिए सारे मालगाड़ी यहाँ शिवपुरी में आकर अनलोडिंग होती है, रैक आते हैं डेली यहाँ पर, कम से कम 3-4 रैक आते हैं जो सीमेंट्स के, फर्टिलाइजर्स के, जितने भी हैं ये सब यहीं आते हैं। देखिए अब शिवपुरी का बहुत शानदार स्टेशन, ये पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, ये टाटा प्रोजेक्ट ने इलेक्ट्रिफाइड किया था। और इस जगह पे टाटा प्रोजेक्ट के पास, टाटा प्रोजेक्ट ने टावर वैगन सेट, ओची डिपो और क्वार्टर्स, TSS सब यहाँ पे बनाए हैं और काफ़ी अच्छे बनाए हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ये हैं। और स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है, ये देखिए शिवपुरी, शिव की नगरी शिवपुरी। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे लोग, जैसे अंग्रेज़ या सिंधिया या राजा महाराज यहाँ पे शिकार करने आते थे, तो यहाँ पे ग्वालियर से, उस टाइम ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में लोकल ट्रेन, छोटी ट्रेनें चलती थी। अब तो बंद हो गई हैं छोटी ट्रेनें, अब सारे ब्रॉड गेज की ट्रेनें हैं, पहले नैरो गेज की छोटी ट्रेनें चलती थी यहाँ पर, टॉय ट्रेन मान के लिए। तो ये काफ़ी पहले से ही काफ़ी महत्व वाला जगह है। तो यहाँ सिंधियाओं का पहले से यहाँ पे शिवपुरी में। और ये देखिए रेलवे कैंटीन, रेलवे कैंटीन में आपको सब मिलेगा, चिप्स, कुरकुरे, चाय, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, पानी। देखिए बहुत साफ़ सुथरा कैंटीन है, देखिए यहाँ का टूरिस्ट पहले छतरी, पर्यटन स्थल छतरी और बतैया कुंड है ये यहाँ पे। और ये टिकट काउंटर, काफ़ी भीड़ है, अभी ट्रेन है नहीं, शाम को ट्रेन है पर बुकिंग के लिए। ये देखिए कितना साफ सुथरा स्टेशन है, नीट एंड क्लीन। ये यहाँ का विश्राम गृह है प्रथम श्रेणी का, ये देखिए ये भी नीट एंड क्लीन है। अभी इस टाइम कोई नहीं है यात्री, तो देखिए काफ़ी शानदार बना हुआ है। अप एंड डाउन के लिए शिवपुरी स्टेशन से अप एंड डाउन लाइन में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, कौन कौन से डे को चलती हैं, सब चार्ट है पूरा, आप देख सकते हैं। स्टेशन में घूमते घूमते हमें एक प्यारी सी बच्ची मिली, रो रही थी, ये देखिए अपने पापा के साथ। स्टेशन में कोई नहीं है पर सफाई का काम चल रहा है, मतलब काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है, देख सकते हैं आप, ये देखिए आदमी साफ कर रहा है। शिवपुरी में क्या क्या दर्शनीय स्थल, जैसे माधव नेशनल पार्क, जॉर्ज कैसल, भदैया कुंड, छतरी, बाणगंगा, सब ये पेंटिंग छपते हैं काफ़ी शानदार। और ये स्टेशन, ये निगी जी हमारे साथ, और ये देखिए बाहर का व्यू स्टेशन का। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।